एबीपीएस न्यूज। आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम जिला मुरादाबाद के विकास खंड डिलारी की ग्राम पंचायत महमूदपुर लाल पहुंची। जिला मुख्यालय से जिसकी दूरी 35 किलोमीटर दूर तो वहीं मात्र ब्लॉक से 2 किलोमीटर दूर है। 1800 वोट और 5500 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान धर्मपाल सिंह ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गांव वालों ने प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गांव में अच्छा विकास कराया है। ये गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। इन्होंने अपने गाँव में सड़क निर्माण, पंचायत भवन का निर्माण, शौचालय निर्माण, पुलिया निर्माण, स्कूल का कायाकल्प और पेयजल पानी को दुरुस्त करने के लिए हैंडपंप का रिपोर्ट तथा मरम्मत का कार्य भी कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम को जानकारी देते हुए क्या बोले प्रधान प्रदीप धर्मपाल सिंह। का नाम आपका? मेरा नाम श्रीमान जी धर्मपाल सिंह, ग्राम प्रधान मैनपुर लाल से हूँ। अच्छा, विकास खंड लगता है डिलारी। जी, 2 वर्ष हो गए हैं आपके कार्यकाल को। जी जी, इस तरह से आपने यहाँ विकास कराया? सर, मैंने जो है गांव के अंदर अपने सबसे पहले प्राथमिकता दी मैंने पंचायत घर के लिए। उसके बाद में गांव में जो है 5-6 सड़कें बनवा दी हैं और अभी भी काम चल रहा है सड़कों का। और जो है लगातार मैं तीन रास्ते मैंने मनरेगा के द्वारा लिए हैं और तीन रास्ते मैंने ग्राम निधि के द्वारा बनवा दिए हैं। जी, गांव को विकसित करने के लिए और विकास करने के लिए किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? विकास के लिए सबसे पहले तो ये बात है कि जो सरकार ने इस वर्ष जो वित्तीय वर्ष है से कुछ प्रधानों का कोटा काट दिया है राज्य केंद्रीय वित्त ने, भारत सरकार ने, उससे भी दिक्कत आ रही है। क्योंकि जब पैसे का अभाव होगा तब विकास में थोड़ी अड़चन तो आएंगी। और दूसरी बात है, विकास में इस वर्ष जो है कोई आवास, जो प्रधानमंत्री आवास वगैरह हैं जिससे कि उन लाभार्थियों को लाभ हो और उनको गरीबी से दूर हो, जिससे विकास हो सर इसमें गांव का, वो भी नहीं मिल पा रहा इस वर्ष। और जो कुछ शौचालय भी नहीं मिल पाए हैं, 1-2 शौचालय में से क्या हो रहा है, जबकि जनसंख्या बढ़ती को देखते हुए उसके आधार पर तो शौचालय है, आवास है, उनको मिलने चाहिए ताकि उसकी गरीबी दूर हो गांव की। प्रधान जी, राज्य सरकार केंद्र सरकार से अपने गांव के विकास के लिए क्या आप अपील करना चाहोगे? अपील ये करना चाहेंगे कि हम गांव के लिए जो हमारी सबसे पहले राज्य वित्त काटा है जो उन्होंने जो है जिला पंचायत को दिया है वो हमारा वापस मिलना चाहिए ग्राम प्रधानों के लिए। और जो है मिलने के साथ साथ जो हमारी ग्राम समाज में बहुत सी योजना चल रही हैं उनके अंतर्गत हमें लाभार्थियों को ट्रेनिंग दे करके या उनके बारे में बता करके जिले स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर उनको लाभान्वित किया जाए ताकि वो उनका विकास उन्हें जो है उनका विकास के लिए उन लाभार्थियों को लाभ मिले जिससे कि उनका हमारे गांव का विकास हो। जैसे बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत सी वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, ग्राम बांड, जो बहुत ही योजनाएं हैं काफ़ी जिनकी जो कि पता नहीं चल पाता गांव में। ये बातें जो है अगर जिले स्तर पर होती हैं और उसके बाद में अगर ग्राम स्तर पर भी कोई अधिकारी आकर के इन चीज़ों को बताए तो हमारे गाँव में जो है विकास होगा इससे। धन्यवाद।